राम राम सभी भाइयों। आज मैं आपको मेरे डेली की अखाड़ा ट्रेनिंग बताने जा रहा हूँ। ये अखाड़े का मुख्य द्वार है, अब हम अखाड़े में एंटर होने जा रहे हैं। अब हम इस अखाड़े में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो स्वामी हैं, जो यहाँ के नाथ हैं, उनको हम नमन करेंगे। अब हम अखाड़े में एंटर हो रहे हैं और एंटर होने के साथ ही जो मेरे प्रभु हैं उनको हम नमन करते हुए इसमें प्रवेश करेंगे। अब मैं अपना बैग वगैरह रख के, चड्डा वगैरह, जो भी मेरी ड्रेस है, जो अखाड़े की ड्रेस है कंफर्ट जोन वाली, उसको मैं वियर कर लेता हूँ। फिर करते हैं हमारे आज के अखाड़े की ट्रेनिंग स्टार्ट। मैं मेरे कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं को गर्म करने के लिए। अब हम 50 से 100 के बीच सपाटे मारेंगे। कुछ भी वर्कआउट कर लो गाइस, सपाटे मारने का आनंद ही अलग है। अब सपाटे हमने लगाए लिए हैं। सपाटे लगाने के बाद अब हम थोड़ा रेस्ट लेंगे 15-20 मिनट। अब हम चलाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट पावड़ा। इससे हमारे बाजुओं की जो ताकत है वो बढ़ती है। जय श्री राम का नाम लेकर ये हमने आज कर लिया है पावड़े की वर्कआउट कंप्लीट। क्या थकान आ रही है, मज़ा आ रहा है। अब जो भी हमने पावड़े से इस मिट्टी को उखेला है उसे दूसरे मेरे भाई के लिए उखाड़ने के लिए वापस जमाएंगे। इससे मेरी शारीरिक व्यायाम भी वापस हो जाएगा, पूरी मिट्टी भी जम जाएगी।
ये टास्क भी अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलेंगे बाहर खुली हवा में। कितने भी मॉडर्न जिम कर लो, लेकिन जो मज़ा खड़े में है व्यायाम करने का वो कहीं भी नहीं। अब ये टायर और रस्सा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इन टायरों के बीच में भी दो दो ईंट रखी हुई है जो कम से कम 1 केजी की है। इसका वेट कम से कम 15 केजी है ईंट समेत। अब इसकी बारी है। तो रास्ता भी अपना कंप्लीट है। ये वैसे मैं 20-25 मिनट करता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी बन जाए इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप कहीं भी व्यायाम करें, चाहे घर पे, चाहे अखाड़े में, चाहे जिम में, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त रह पाएंगे। तो इसके अलावा मैं थोड़ी देर ये जो व्यायाम किए उसको और मैं रिपीट करूँगा और दंड बैठक वगैरह और लगाऊँगा। और आज इसी के साथ मेरा वर्कआउट समाप्त होता है। और ये आज की मेरी सेल्फी मेरे प्रभु के साथ। जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का वर्कआउट करने में मज़ा आ गया। अब चलते हैं जॉब करने। कमा भी खाना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है शारीरिक व्यायाम के साथ साथ। मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। अब हमारे यहाँ चड्डे वगैरह, अंडरवियर वगैरह, लंगोट वगैरह को अंदर डाल लेते हैं। और वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं अपने मन की शांति के लिए और शारीरिक बल के लिए, वो तो अपना कर्म किया है, बाकी जो फल देंगे मैं उनके पास आया हूँ। ये है मेरे गुरु, ये है मेरे गुरु जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम। और व्यायाम ख़त्म होने के बाद और वापस नहाने के बाद और प्रभु के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे जॉब पर।